करूँ। मैं डॉक्टर रहीम भारती, राज्य सचिव, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र राज्य। मुझे बड़ा खेद और निराशापूर्ण मैं ये वक्तव्य कर रहा हूँ कि अमरावती लोकसभा मतदार संघ की सांसद नवनीत राणा ने जो लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के विषय में जो बिल आया था उसका उन्होंने समर्थन किया, ये समर्थन करने के इनके ये कृति का मैं मुस्लिम लीग की ओर से और संपूर्ण समस्त मुस्लिम समाज की ओर से उसका निषेध करता हूँ। संविधान की धारा 25 और 26 और 29, जबकि संविधान ये भारतीय हर भारतीय को बंधन कारक है, वो कश्मीर का हो या केरल का हो, गुजरात के खाड़ी का हो या बंगाल की खाड़ी का हो, भारतीय नागरिक को संविधान की धारा 25 और 26 और 29 ने अपने अपने मज़हब पर चलने की, अपने अपने मज़हब का प्रवचन प्रचार करने की और उसकी दावत देने का पूरा पूरा अधिकार दिया है। संविधान की पुस्तक पर, संविधान की किताब पर हाथ रखकर कसम खाने वाले खासदार, मंत्री और संतरी पर धर्म पंत प्रधान ये संविधान की मानहानि, अवमानना और हनन कर रहे हैं, ये खेदजनक है। संविधान के प्रति ईमानदारी से काम करने का वचन लेने के बाद ये लोग संविधान की पामाली कर रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, संविधान की धाराओं को रौंद रहे हैं। संविधान की धारा 14 के मुताबिक बराबरी का हक मिलना चाहिए महिलाओं को, जब ऐसा इनका ये मत है तो संविधान की धारा 25 और 26 और 29 धार्मिक जब आज़ादी देती है तो ये अंधों को ये संविधान की धारा 25 और 26 और 29 नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी देशपूर्ण मन में एक खोट रखते हुए एक विशेष समुदाय के साथ में सत्तारूढ़ दल अपना काम कर रही है और उसको इन्होंने, नवनीत राणा ने जो समर्थन किया है ये उचित नहीं है। इन्होंने अपने भविष्य पर, अपने राज्य के जीवन पर पूर्ण विराम लगा दिया, ये मेरा मत है। और हम लोगों ने जो इन पर विश्वास किया था वे विश्वास को इन्होंने ठेस दी। उनके पति रवि राणा कहते हैं कि आज तक और इंडिया टीवी पर जो इंटरव्यू आया, जो वायरल हुआ है, ये फेक है, बोगस है। तो उनको सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इतने तो अज्ञान लोग नहीं हैं कि जो आज तक के टीवी पर जब लोगों ने, हमने ने खुद मैंने भी देखा है कि नवनीत राणा और आज तक के एंकर को अपना टीवी इंटरव्यू दे रही है और उनके पति कह रहे हैं कि बोगस है, ये भी इन्हें निराशाजनक और खेदपूर्ण बात है। और आखिर में हम ये चाहते हैं कि आज जो सत्तारूढ़ जो दल है केंद्र में वो संविधान की मानहानि कर रहा है, अपमान कर रहा है, अवमानना कर रहा है, हनन कर रहा है, साथ ही साथ न्यायपालिका का भी, यानी न्यायपालिका के भी साथ में दोगला व्यवहार हो रहा है, ये उचित नहीं है।